बात करेंगे एरीज मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2022 का ये राशिफल है, यानी कि अगले महीने का। और उम्मीद है आपका जो है नए साल का आगाज बहुत ही शानदार हुआ होगा और आप सभी सेफ होंगे। इसके साथ में शुरू करते हैं, और जैसा कि यहाँ पर कैप्शन लिखा है आपके लिए, कुछ वादे आप लेंगे किसी से फरवरी के महीने में और कुछ वादे आपको मिलेंगे और कुछ वादे आप किसी से करेंगे और बाकी सब जो है वो मनमोहक है। इसके साथ में हम इनके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में बात करेंगे हम आपके हेल्थ, एजुकेशन, कैरियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रेवल, और अंत में कैप्शन की बात जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं आपके हेल्थ के सेक्शन से। तो फरवरी के महीने में आपका जो है हेल्थ बहुत ही शानदार तरीके से रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपको कुछ इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इनडाइजेशन आपको हो सकता है। फरवरी के महीने में थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा नर्म होगा और ज़्यादा ठंडक नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ठंड से अपने आप को बचाना होगा। और ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें किसी भी तरीके से, ओवर ईटिंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके लिए एजुकेशन की, एजुकेशन में क्या होने जा रहा है। आपको अगर कोई एडवाइस दी जाए, अगर आपको फरवरी के महीने में स्पेशली आपके पढ़ाई से संबंधित, तो उसको सीरियसली लीजिएगा। और ज़िंदगी में किसी की बात सुनना जो है वो एक कला है, अच्छा लिसनर होना एक ज़रूरी है लाइफ में। आप अच्छे लिसनर बनिए, हर एक की बात काटने की ज़रूरत आपको नहीं है, जैसा कि आप कई बार करते हैं, बिल्कुल मत कीजिए वो, बिल्कुल ज़रा सुनिए ज़रा कोई अगर आपको अच्छी राय दे रहा है आपकी पढ़ाई के बारे में। और पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट आपका बनेगा दोबारा से, अब फेस्टिवल सारे जा चुके हैं, अब देखिए कुछ लोगों के एग्ज़ाम का टाइम आने वाला होगा, तो बिल्कुल अपना जो है ध्यान रखिए। और आप जो है लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आप करने की तरफ अग्रसर होंगे इस बार, लेकिन सलाह आपको माननी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास करियर, कि भाई करियर की दिशा में क्या होने जा रहा है। तो हमारे जो मेष राशि के जो लोग होते हैं वो करियर ओरिएंटेड जी बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होते, बोलते हैं यार छुट्टी लेनी है लेते रहो, है ना, बहुत छुट्टियां लेते हैं यार कई बार जो है, और एडवेंचर के अच्छे लवर्स होते हैं, रोड ट्रिप की बड़ी जो है इनको इच्छा होती है, रोड ट्रिप के बड़े अच्छे शौकीन होते हैं, भले ही जो है कैरियर में छुट्टी लेनी पड़े। तो ये कैरियर को एक तरीके से सतत मानते हैं कि एक कैरियर ख़त्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में जो हमको इन्जॉय करना है वो भी जारी रहना चाहिए। तो फरवरी के महीना भी इसी तरह का चल रहा है, फरवरी का महीना ऑलरेडी हो सकता है कम दिन हो इस बार, है ना, ऑलरेडी जो है उसमें 28 दिन का ये महीना है, अब की बार 29 दिन नहीं है, 28 दिन का महीना है, और उसमें भी जनरली 20-22 दिन ही मिलते हैं आपको करियर के फ्रंट पर। तो यहाँ पर जो है उसमें से भी आप छुट्टी लेकर के कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएंगे, ये करियर में ये है। लेकिन करियर बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत अब की बार नहीं है, और जो आपका हिस्सा है वो आपको ज़रूर मिलेगा आपके करियर पे, ओके। एंड कुछ चीज़ें जो हैं जो अटकी हुई हैं उनको भी आप सुलझाने के मूड में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं इस महीने में। आप चाहते हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चीज़ें चलती रहें, तो और ऐसे ही चीज़ें चलेंगी भी। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइनेंस का, ठीक है। अब फाइनेंस का मामला उनके लिए आता है जिनके बिजनेस, जो बिजनेस को ओन करते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से जो भी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, एक तो आप लिखत पढ़त में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने सुना है कुछ पूर्वांचल के लोग इस बात को कहते हैं कि वक्तम से लिखतम की वैल्यू ज़्यादा होती है, जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो कहा हुआ है उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती। तो आपके जो है जो भी आपके बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं आप उसको लिखित में बिल्कुल आपके पास होना चाहिए फ्यूचर की परेशानियों से बचने के लिए, और आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। और अगर आप बिजनेस ओन भी करते हैं और कोई अगर मैनेजर वगैरह है, अगर आपके यहाँ पे फाइनेंस का कोई भी हेड वगैरह है, तो उसको आप बोलेंगे कि भैया हर चीज़ जो है लिखित पढ़त में ही होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक आपके बिजनेस की बात है आप आगे बढ़ाएंगे इसको, आपको आपके नए पार्टनर मिलेंगे, और इस तरह से आपका जो है बर्थडे जो आने वाला है उसमें भी जो है आपको अच्छे गिफ्ट्स वगैरह मिलने की संभावना है। लेकिन बिजनेस में कोई भी रुकावट इस बार नहीं आ रही है, आप आगे बढ़ेंगे, कोई स्टॉपिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए, अब जाते हैं थोड़ा सा इमोशनल मामलों की तरफ, जो काफ़ी इमोशनली आप अटैच हैं। पहले बात करते हैं इसमें हम लव की, प्यार मोहब्बत की, जो सिंगल लोग, ठीक है। अब यहाँ पर भाई ऐसा हो रहा है कि जो हमारे
मेष राशि के जो दोस्त हैं, मेष राशि के जो भी हमारे सुनने वाले हैं, वो अधिकतर आकर्षित होते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ, वृश्चिक और धनु राशि वालों की तरफ, इनकी तरफ उनका आकर्षण ज़्यादा बनता है। और भले ही आप कुंभ राशि वालों की लाइफ में स्टेबल ना हो, लेकिन फिर भी जो है वो आपको अच्छे तो लगते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान किसी के, कोई भी जो है उनके ज्ञान की मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार भी जो है आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल जो है, या कुछ आप हेल्प वगैरह आप लेने के लिए जाएंगे, गाइडेंस आपको मिलेगा इनसे कि भाई क्या करना चाहिए। प्यार मोहब्बत का सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उसको आप जारी रखेंगे, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई अपने रिश्ते को अगर आप शादी की शक्ल में लेके आना चाहते हो, तो उसमें भी जो है आप जो है उसकी प्लानिंग कर सकते हो, मिनिमम रुकावटें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास आपके शादीशुदा जीवन, मैरिड लाइफ, कि भाई मैरिड लाइफ में क्या हो रहा है। तो मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया चल रही है, मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पिछले कुछ दिक्कतें हुई भी होंगी तो वो इस बार जो है दूर हो जाएंगी। और मैरिड लाइफ अगर आप साथ रहते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। और जो एक फ्रेशनेस है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेष राशि के लोग किसी भी रिलेशनशिप में बड़ा एक फ्रेशनेस लेकर के आते हैं। जो फ्रेशनेस आप रिलेशनशिप में लेकर के आते हो वो अनमोल है, उसका कोई भी मोल नहीं है, है ना। आपके साथ रहते हुए आपके पार्टनर को भी फील नहीं होता होगा कि कितने सारे साल निकल गए हैं शादी की जिंदगी जीते हुए। खैर, अब हम बात करते हैं आपके लिए फ्रेंडशिप की। तो मेष राशि वालों का एक लार्ज फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन उसमें भी वो एक बड़े जो है उसकी भूमिका निभाते हैं, मतलब वो जो है उनको प्यार अच्छा खासा मिलता है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो है उनको भी जो अटेंशन काफ़ी अच्छी मिलती है उनको, और फ्रेंडशिप में, फ्रेंडशिप के सर्कल में आपकी अटेंशन बिल्कुल जारी रहेगी, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपकी फैमिली की, कि भाई परिवार का सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो परिवार का सपोर्ट आपको बिल्कुल जारी रहेगा इस बार, ठीक है। लेकिन जो है कोई भी फैमिली से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगा के रहिए कि भाई जो है वो आपके लिए कुछ चांद सितारे तोड़ के ला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि उनकी अटेंशन ज़रूर मिलेगी आपको, आप परिवार की निगाहों में हैं, ये बात एक बिल्कुल सच है। लेकिन अगर आप उनसे कुछ सपोर्ट मांगने जाएंगे तो हो सकता है वो उस लेवल का सपोर्ट आपको ना दे सकें, ठीक है। तो ये एक तरीके से बढ़िया जो है फैमिली की तरफ चलेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप अपने परिवार में हैं तो वो भी आपसे जो है उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रेवल, यात्राओं के विषय में ये है कि भाई जो है यात्राएं जो है वो आपके लिए जारी रहेंगी। अब जैसे आपने वो वाली मूवी तो देखी होगी कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस तरह के ट्रिप पर आप जाना चाहते हैं, राइट। तो उस तरह का ट्रिप भी जो है, अब ऐसा नहीं है कि भैया कि जो है सभी को रिच होना ज़रूरी है खुद को ढूंढने के लिए, आप खुद की तलाश में शायद आप छोटे मोटे ट्रिप आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अगर बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है और यात्रा अलाउड नहीं है तो बिल्कुल मत निकलिए, ठीक है। ये खोज आप स्वयं भी कर सकते हैं अपनी स्वयं की। तो यह है कि यात्राओं के विषय में इतना ही। अब हम बात करते हैं इस कैप्शन की, कि कुछ वादे आप लेंगे किसी से और कुछ वादे आपको मिलेंगे किसी से और कुछ वादे आप देंगे किसी को, तो इसका क्या मतलब है इसके बारे में भी बात करते हैं हम आपसे, एक मिनट। तो आपका जो नेचर है, जो आगे बढ़ने करेजियस, एंथुजियास्टिक और कॉन्फिडेंट जो है, अगर आप लाइफ में ऐसा होंगे आप लाइफ में, तो बिल्कुल जो है वो आपको आगे लेकर के जाएगा। क्योंकि फरवरी जो है वैलेंटाइंस डे का भी महीना है, और इस महीना जो है आप कुछ खास प्लान करना चाहते हैं अपने लिए और देखना चाहते हैं कि अभी क्या होगा। तो मेष राशि वालों, आपको जो है ये बढ़िया भाव जो मिलेगा यहाँ पर, बढ़िया जो आपको भावनाएं आपकी समझने वाले लोग मिलेंगे, एक तो होंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोग, है ना, और आपके धनु राशि के लोग, और जो बहुत ही ज़्यादा लाइवली होंगे, जो आपको बिल्कुल समझ जाते हैं, वो एक्वेरियस कुंभ राशि के लोग। लेकिन कुंभ राशि में और आप में उम्र का फासला होगा, आप अपने स्कॉर्पियो या धनु राशि वालों के साथ भी जुड़ेंगे, इनमें भी आपके लिए उम्र का फासला होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में जो शानदार है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि वाले हैं, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशंस लेके आते हैं, और साथ में धनु वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो कुछ वायदे आपको आपके इस पर मिलेंगे वैलेंटाइंस डे पर,
और कुछ वायदे आप जो है स्वीकार भी करेंगे, कुछ वायदे आप ले ले कुछ वायदे आप दे भी देंगे। और हमारे वैलेंटाइंस डे के राशिफल भी हमने पोस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी 2022 के, वो भी आप देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।